नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में प्रदेश पदाधिकारियों को एक बैठक आयोजित की गई। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित इस बैठक में राज्यसभा सांसद समीर उराव, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ रणनीति भी तैयार की गई। बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल को धन्यवाद दिया गया कि झारखंड के महान स्वतंत्रता संग्रामी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस 15 नवंबर को अब इस देश में प्रति वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया, धन्यवाद किया गया। और ये भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को एक देशव्यापी जनजातीय गौरव से जोड़ करके जो कार्यक्रमों की श्रृंखला इस वर्ष और प्रत्येक वर्ष हम करेंगे, निश्चित रूप से उनके योगदान से हमारी आने वाली पीढ़ियां और बेहतर तरीके से परिचित होंगी और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के, उनके आंदोलन से प्रेरणा लेकर के पूरे देश की जनता उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आने वाले वर्षों में यह देश हमेशा स्वतंत्र रहेगा। कोई बहाना बना करके लगातार सरकार टालमटोल कर रही है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जल्द से जल्द सरकार पंचायत के चुनाव कराए, साथ में नगर निकाय के चुनाव कराए, ताकि विकास की कोई भी गति और काम अवरुद्ध ना हो जो पिछले सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किए थे। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सरकार केवल टाल मटोल डर से कर रही है, उसका जनाधार पूरी तरीके से खिसक गया, उसे भय है कि इस चुनाव में उन राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो चुनाव में जाएंगे पूरी तरीके से जनता उनको नकारने वाली है। तो ऐसे में वो टाल मटोल कर रहे हैं। जब पूरा देश COVID-19 बीमारी की महामारी को परास्त करके अब एक सामान्य दिनचर्या और जीवन की तरफ लौट रहा है, ऐसे में इस चुनाव को टालना सिर्फ और सिर्फ उनका भय है।